नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y200e 5G versus Realme P1 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y200e 5G में 6.42 इंच जबकि P1 Pro 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Y200e 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Y200e 5G में 2.98 इंच जबकि P1 Pro 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Y200e 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Y200e 5G में 0.31 इंच जबकि P1 Pro 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Y200e 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y200e 5G में 185.5 ग्राम जबकि P1 Pro 5G में 184 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y200e 5G में AMOLED जबकि P1 Pro 5G में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Y200e 5G में 20:9 जबकि P1 Pro 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y200e 5G में 6.67 इंचेस जबकि P1 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y200e 5G में 1080x2400px FHD+ और P1 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y200e 5G में 86.83% जबकि P1 Pro 5G में 90.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y200e 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि P1 Pro 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y200e 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और P1 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y200e 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और P1 Pro 5G की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y200e 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और P1 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y200e 5G में Adreno 613 जबकि P1 Pro 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y200e 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 और P1 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Y200e 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि P1 Pro 5G में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y200e 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि P1 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y200e 5G में अप टू 1TB जबकि P1 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में
5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y200E5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹19,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹20,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें P1 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹21,999, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹20,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y200E5G में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme P1 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में P1 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G04 4G है, दूसरा Oppo F25 Pro 5G है, तीसरा Tecno Camon 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2A 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।